हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फ्लाईओवर पे कार रुकने के बाद कैसे कार को कंट्रोल करना चाहिए, देखिएगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये दिक्कत आती है। अभी गाड़ी फ्लाईओवर पे रुकी हुई है और वापस इसको मूव करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा हाफ क्लच छोड़ना है। कार आपकी फर्स्ट गियर में होनी चाहिए। चलो पहले थोड़ा सा क्लच छोड़ो। हाँ, धीरे धीरे जब गाड़ी वाइब्रेट करने लगे फिर ब्रेक से पैर हटाना। अभी इंजन वाइब्रेट करने लगा, अब जाओ राइट वाला पैर एक्सेलेटर पे रखो। चलो जाओ फटाफट जल्दी से, थोड़ा एक्सेलेटर पुश करो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो क्लच के साथ। वेरी गुड। तो दोस्तों देखो, कार बगैर एक्सेलेटर के और बगैर हैंड ब्रेक के कार वापस मूव कर गई है, तो बहुत आसानी से आप स्लोपिंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।